पिछले कई वर्षों से, चार वर्षों से हम देख रहे हैं कि किसी भी स्तर का चुनाव आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना आपा खो बैठते हैं और विचित्र बातें करने लगते हैं। ऐसी बातें जो कभी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री के मुखमंडल से कभी ऐसे उद्गार आपने नहीं सुने होंगे, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक प्रधानमंत्री को हर समय और हर कीमत पर भाषा का मर्यादा की मर्यादा रखनी चाहिए, अपने पद की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए, भले उसके लिए कोई भी कीमत देनी पड़े। भारत एक विशाल देश है, एक बड़ा सफल लोकतंत्र माना जाता है, पूरा विश्व इस देश को, इस लोकतंत्र को चलते हुए देखता है, उससे ईर्ष्या करता है, उससे सीखने की चेष्टा करता है। यह ऐसा महान देश और उसका प्रधानमंत्री एक चुनाव के आगे उसकी जुबान भी फिसल जाए, अपना आपा भी खो बैठे और निम्न स्तर की राजनीति पे उतर आए, तो वो लोकतंत्र को और भारत को विश्व समुदाय के सामने एक बहुत ही अजीब सी दृश्य पेश करता है। चुनाव जीतना आवश्यक होता है प्रधानमंत्री जी, हम समझते हैं इस बात को, हम आपसे कहीं ज्यादा चुनाव जीते हैं और आगे भी जीतेंगे, लेकिन देश की आत्मा को हराकर चुनाव जीतना है, मुझे लगता है ये उससे करारी हार और कोई नहीं हो सकती जब आपने देश की आत्मा को हरा दिया अपना एक चुनाव जीतने के लिए। ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले हमें मिले, जहां तथाकथित विकास पुरुष शमशान कब्रिस्तान की बातें करने लगा और लोगों को दिग्भ्रमित करने लगा। हाँ, लोग कुछ वक्त के लिए दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, आप भी हो जाते हैं, सब हो जाते हैं और आपकी बातें सुनने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद लोग पलटकर आपको अपनी बात भी सुनाते हैं, जैसा कि आपको फूलपुर, कैराना, गोरखपुर, राजस्थान के दो उपचुनाव में सुनाई गई। और जब जनता अपनी बात सुनाने पर आती है तो प्रधानमंत्री जी, वो आवाज बड़ी तेज होती है, बड़ी तीखी होती है, सत्य से भरी हुई होती है, आपको आपको कान बंद करने पड़ जाए तो भी आपको वो सुनाई दे, उसकी गूंज बड़ी जबरदस्त होती है। गुजरात में चुनाव की प्रक्रिया आप सबने देखी, देश के प्रधानमंत्री गुजरात के सुपुत्र हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस तथाकथित गुजरात मॉडल को लेकर पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा, उसका नाम भी उन्होंने गुजरात के चुनाव में नहीं लेना उचित समझा, विकास का नाम लेना भूल गए। आखिर क्यों? वहां क्या किया? वहां पाकिस्तान की शरण में चले गए। अजीब सी बात की, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष दीपक कपूर, सुब्रमण्यम स्वामी जी के समधी और पूर्व राजनयिक सलमान हैदर, इन सब पर उंगली उठाई और कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ये गुजरात के चुनावों पर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात के चुनावों पर प्रभाव डालने की चेष्टा कर रहे हैं। पाकिस्तान गुजरात के चुनाव पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष और तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह उनका आरोप था 10 दिसंबर को। हतप्रभ रह गए सब। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ा करारा उत्तर दिया, हिम्मत दिखाते, जांच बैठाते, FIR करवाते, आखिर यह देश की सुरक्षा की बात है, लोकतंत्र की प्रक्रिया की बात है, कोई चुनाव पर प्रभाव डालने की चेष्टा बाहर का देश कर रहा है और आप चुप बैठे हैं, एक भाषण देकर आप अपनी जिम्मेदारी समाप्त हो गई? अरे प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा बोला गया हर शब्द विश्व का हर नेता सुनता है, विश्व का मीडिया जगत सुनता है, विश्व के विश्लेषक सुनते हैं, उसका बड़ी बारीकी से विश्लेषण करते हैं, आपने ये भी नहीं सोचा? आप कोई आम आदमी नहीं है, कोई चलते फिरते कोई कुछ बोल दे, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी मर्यादा है, आपको लोग गंभीरता से लेते हैं। RTI की किसी ने, भाई गुजरात में आपने इतनी बड़ी टिप्पणी की, आपने उसकी जांच तो की होगी, आपके स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन विच इज अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट समबडी इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, दैट टू अ फॉरेन पावर, दैट टू इन कोल्यूजन विथ सम सेलिब्रिटीज, सम पोलिटिकल पावरफुल पीपल, फॉर्मर आर्मी चीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कुछ तो आपके पास सबूत होंगे। RTI की गई तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने RTI का जवाब
बड़ा अच्छा दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला, द इंफॉर्मेशन सॉट पर्टेन्स टू पीएम स्पीकिंग ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल कैंपेन, द इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली डज नॉट रिलेट टू अ पॉलिसी मैटर और अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, सो विथ रिगार्ड टू द प्राइम मिनिस्टर ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनफॉर्मल और फॉर्मल इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ये प्रधानमंत्री कार्यालय जवाब दे रहा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इनफॉर्मल स्रोत से, कई कई स्रोतों से प्रधानमंत्री के पास सूचनाएं आती हैं और उन सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री, ये एक नई परंपरा आपने शुरू की, इनफॉर्मल। What is informal about a constitutional post? आपने संविधान की शपथ ली, आप informal बात कर रहे हैं, आप informal sources से बात सुनकर पूरे देश में, आप अपने पूरे विश्व में आप लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री आप लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, informal sources से आपने जानकारी प्राप्त की, कौन है वो informal source, हम ये जानना चाहते हैं। आप चले जाते हैं विदेश, कहते हैं इनफॉर्मल यात्रा, अरे कुछ तो फॉर्मल होगा आपके बारे में, या आप 2016 मई से आज तक सब कुछ इनफॉर्मल ही करते आए हैं। इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना आर्टिकुलेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट आर्टिकुलेट प्राइम मिनिस्टर इन आई डोंट नो व्हाई, और आप इनफॉर्मल सोर्सेज से पर निर्भर होकर इस तरह की बात करेंगे, ये क्या शोभा देता है? क्या भारत की ऐसी छवि आप इस पूरे विश्व में बनाना चाहते हैं? हम ये मांग करते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अपने पत्र में यही मांग की थी उस वक्त, और अब आरटीआई से ये खुलासा हो गया, और आरटीआई में भी जब उत्तर नहीं मिला एप्लीकेंट को, शिकायतकर्ता को, तो वो अपेलेट अथॉरिटी में गया, वहां उसने बड़ा अच्छी तरह पूछा कि भाई ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, लोकतंत्र का बात है, कोई विदेशी पावर आकर, विदेशी ताकत आकर हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप कर रही है, तो आप कम से कम ये तो बताइए कि क्या आपने एक्शन लिया, आपको कहां से सूचना मिली। उत्तर तो वही मिलता है सब जगह, इनफॉर्मल सोर्सेस थे साहब, हमें नहीं मालूम कहां से मिली, प्रधानमंत्री जाने। तो अगर प्रधानमंत्री जानते हैं ये उनको कहां से सूचना मिली, तो आप के माध्यम से हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि वो सबको बताएं क्या एक्शन लिया उन्होंने, ये बताएं। अभी कुछ दिन पहले उनके दो नेताओं ने फिर पाकिस्तान, अरे आप चुनाव हारते हैं, देश का चुनाव है, लड़िए राजनीतिक तौर पे, आमने सामने आकर लड़िए, मुद्दों पर लड़िए, ये पाकिस्तान पाकिस्तान क्या लगा रखा है, कभी हाफिज सईद याद आ जाता है, कभी ओसामा याद आ जाता है, देश का किसान नहीं याद आता, देश का छोटा व्यापारी नहीं याद आता, बेरोजगार नौजवान याद नहीं आता, आप देश की राजनीति को कहां गिरा रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं? चुनाव हार जीत सब चलती है, आप हारना भी हमसे सीखिए, जीतना भी हमसे सीखिए, सरकार चलाना भी हमसे सीखिए, हमें तीनों अनुभव है। देश शर्मिंदा है इस बात पर कि देश के प्रधानमंत्री ने असत्य बोला एक चुनाव जीतने के लिए, देश शर्मिंदा है इस बात पर कि देश के प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राजनयिक, पूर्व सेनाध्यक्ष का अपमान किया, देश जवाब मांगता है। इससे संबंधित प्रश्न आप पहले पूछिए और बाकी कुछ बात, देश से और लोकतंत्र से, हमारी डेमोक्रेसी, वी डिजर्व अ बेटर नैरेटिव, वी डिजर्व अ हेल्दियर नैरेटिव, एक स्वस्थ परंपरा इस लोकतंत्र में चलती आई है, वो उस परंपरा को न तोड़ें, माफी इस देश से मांगे। आरटीआई, जिसको ये सदैव कमजोर करने का इनका भरसक प्रयास रहा है, कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, अब आरटीआई के माध्यम से अगर ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री के पास कोई सोर्स नहीं था, कोई फॉर्मल सोर्स नहीं था, तो अब तो सबके सामने स्पष्ट हो गई है ये बात कि एक निम्न स्तर का जुमला था, इसके बाद तो माफी बनती है, और अगर अब भी माफी नहीं मांगे तो
लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा खतरा है कि भारत का प्रधानमंत्री इस स्तर पर जाकर चुनाव लड़ता। यह प्रश्न चिन्ह लोकतंत्र को शोभा नहीं देता, इस प्रश्न चिन्ह को हटना होगा, हटाना होगा। जी, एनीवन एल्स? Any threat received by anyone against the Prime Minister of India, howsoever suspicious that threat is, howsoever vague that threat is, even if it is a rumor, it should be taken seriously. And action should be taken, investigation should be done, and it should not be politicized. Do not use a threat to the Prime Minister of India for petty politics. We have lost two Prime Ministers. We have lost an entire leadership of Chhattisgarh to Naxal violence. We know what it means. What it means to fight terrorism, to fight Naxalism. But do not play politics. We lost the leadership in Chhattisgarh when the BJP was in power. Did we play politics with that? No, we did not. As I said, the BJP does not know how to conduct itself when it wins the election. They do not know how to conduct themselves when they lose an election. They do not know how to conduct themselves when they are in government. This is another example. Please don't play politics with the Prime Minister's security, for God's sake. Sir, Jairam Ravi is the same security threat on the Prime Minister. Mahesh Rawal has been established on dates with Maoism. Now, in 2013, Jairam Ravi had written to Prithviraj Chavan, who is the Chief Minister of Maharashtra, saying that Mahesh Rawal should be let off. If you heard Mr. Athawale yesterday, who is a union minister, he came out very heavily against these claims and said that Elgar Parishad has had nothing to do with Bhima Koregaon. He is questioning his own government. We expect answers from the government. Either Mr. Athawale is wrong, or what a section of the agencies in Maharashtra is saying is wrong. One of them is wrong. I am also talking about a minister in the current government questioning his own government, his own Maharashtra police, on record challenging them that Elgar Parishad has nothing to do with it. There are various ways of dealing with dissent. UPA too faced a lot of dissent. There was the Anna movement, there was the Nirbhaya movement, there was various movements against UPA. You cannot label them as anti-nationals. Face dissent with answers, with facts. Have a dialogue. Engage with people. And if they are found to be breaking the law of the land, please take all action possible. Nobody stops you from that. That's your duty and your right. But don't bring politics in everything. Some people have genuine concerns. Even the farmers' movement has been labeled in the last 10 days as a movement to destabilize the government. What? How can you do that? You cannot do that. After all, they have their genuine angst. They have their concerns. Please address them. So that brand of politics, ki jo Modi virodhi hai, wo Rash virodhi hai, that's not a good, healthy brand of politics. That kills dialogue. That kills, in the long run, kills democracy. Look, I'm not interested in what he said. As I said and I repeat, any threat to the security and the safety of the Prime Minister, even if it is a rumor,
even if it appears suspicious, cannot be dismissed lightly. It has to be taken seriously, it should be investigated, and action should be taken if somebody is found guilty. This security of a prime minister, I belong to a party, as I said, which has lost several leaders, Indira ji, Rajiv ji, Bayant Singh ji, Vidya Charan Shukla ji, Patel ji, who entire leadership, as I said, of Chhattisgarh. We know what it means. This cannot be taken lightly. Please take it seriously and do not politicize it. घर में खाना बनता है तो किचन से आवाजें आती हैं, उसके बाद एक बड़ा अच्छा पदार्थ बन के आते हैं डाइनिंग टेबल पर, तो अभी किचन की आवाजें चल रही हैं, भोजन की इंतजार कीजिए। We are all here to serve the people, to honor our manifesto, to honor the commitments we've made to the people during our campaign, to the farmers, to the poor, to the unemployed youth, the environment of the state, so on and so forth. These are processes, and it's a very vibrant democracy which is full of sound and light, at times some fury. But at the end of the day, both the JDS and the Congress, we know why are we here. We are here to honor our commitments. These processes have to be lived through, gone through, and then we'll come out with it. Seriously लेने का मतलब है जांच एजेंसीज, बस राजनीति नहीं। सीरियसली लेने का मतलब है सरकार अपना काम करे, कोई गलत है उसको पकड़ के पीछे करिए और कानून अपनी प्रक्रिया चालू रखे। लेकिन आप उसका राजनीतिकरण करेंगे कि राजनीतिक दल ये कर रहे हैं, जैसे गुजरात का मैंने उदाहरण दिया कि पाकिस्तान से मिलकर मोदी जी को हराने की चेष्टा हो रही गुजरात में, अरे साहब क्या बात, मजाक भी करिए तो ऐसा तो मजाक करिए हंसी आए, मजाक भी करिए तो लोकतंत्र से तो मत करिए। हमारा प्रश्न आपके मजाक पर नहीं है, आप मजाक करिए आपको अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र से मजाक मत करिए। और कुछ जोक भी सुनाए तो इट शुड हैव सम ह्यूमर, वी शुड एटलीस्ट लाफ। जी सॉरी, व्हेन योर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज द गट्स टू गेट अवे विद अ स्टेटमेंट एज इनसेंसिटिव एज दैट, दैट दे आर डूइंग इट फॉर मीडिया अटेंशन, and the prime minister ignores it, what else do you expect from this government? Vada kiya tha, sorry I'll come in English only for you, they had committed that they will implement all the 12 recommendations of the Swaminathan commission, MSP plus 50% within months of being elected into power. In the Supreme Court they backtracked, they said no we are not doing it, and now every evening I go on these TV debates, their spokespersons lie that it has been implemented. I ask them to give us a list of what crops, which are the crops under MSP plus 50%, please give us a list. They make fun of farmers, they ridicule them, they fire at them, they kill them. Rahul Gandhi किसानों को गले लगाता है तो ये माधुरी दीक्षित और रतन टाटा के साथ फोटो खिंचवाते हैं अमित शाह, ये अंतर है दोनों में, this is the difference. जी ये कौन है? कर दें, आपको जो बदलना है बदल दीजिए, हम आपत्ति नहीं करेंगे, किसान की तकदीर बदल के दिखाइए, बेरोजगार नौजवान को नौकरी दे के दिखाइए, महिलाओं को सुरक्षा देकर दिखाइए, दलितों पर अत्याचार रोकिए, अपनी प्राथमिकताएं पहचानिए। आप चुनाव जीते थे तो क्या आपने अपने घोषणा पत्र में ये अकबर रोड का नाम ये कर देंगे, इसका नाम वो कर देंगे लिखा था क्या? अगर लिखा है बिल्कुल करिए, और नहीं तो जो लिखा है वो करिए। खैर अब उसका भी समय बचा नहीं,
अब आप मोदी जी 11 महीने 10 महीने जितने बचे हैं जितना घूम सकते हैं घूम लीजिए, 4 साल में औसतन हर 11वें दिन मोदी जी विदेश में थे, कभी फॉर्मल कभी इनफॉर्मल, थोड़ा और घूम लीजिए फिर मौका नहीं मिलेगा। देखो देर आर सेवरल पीपल क्वेश्चनिंग सेवरल थिंग्स अराउंड द भीमा कोरेगांव वायलेंस इन 6 decades दे मार्क दैट एनिवर्सरी एवरी ईयर वेरी पीसफुली वेरी स्मूथली। व्हाई इज इट दैट अंडर दिस गवर्नमेंट बोथ इन द सेंटर एंड द स्टेट वायलेंस इरप्टेड? व्हाई इज इट दैट देयर इज अ पैटर्न टू वायलेंस अगेंस्ट दलित्स अक्रॉस द कंट्री? There are questions about Bhima Koregaon. Why is it that Sambhaji Bhide and Milind Ekbote, there is no action taken against them, but despite Mr. Athavale, a union minister of this very government, demanding it, but all action against Dalits, you take action against whoever is guilty, no problem. Nobody will have a problem with it. But do not dilute the Dalit cause by labeling them as anti-national. By labeling them as Naxals. We are all against terrorists, we are all against Naxalites, against violence, but we are also against politicization of the Dalit cause, we are against dilution of the Dalit cause, we are against labeling anybody who questions you as anti-national. हम सिर्फ उनका प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं कि उनको तो उत्तर दे दीजिए, हमें और आपको तो कभी उत्तर मिलते नहीं, हम तो रोज प्रश्न पूछते हैं। अरे अपने मंत्री को उत्तर दीजिए और अगर वो गलत हैं तो उनको बोलिए माफी मांगे गलत प्रश्न पूछ लिया। हम क्यों इस्तीफा मांगे भाई, हमने तो बड़े बड़े लोगों का मांगा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इस्तीफा प्रश्न पूछने पर नहीं होता, प्रश्नों का उत्तर चाहिए। अगर वो आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं तो आप मोदी जी आप जवाब दीजिए कि सही कौन है गलत कौन है। धन्यवाद।